subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. To start with, I can say that this is the commitment of our Honorable Prime Minister, sir. Honorable Prime Minister, sir, declared nation's commitment to NTB 5 years ahead of SDG target. SDG target to eliminate TB by 2030, but India has committed to eliminate by 2025. It was decided in Delhi and Summit 13th March 2018. This bold commitment is of global importance since India accounts for 26% of the global TB burden. जो all over the world का TB burden है उसका 26% India का है. These are the pillars of national TB elimination program. Detect, treat, prevent, bill. These are the four aspects of national TB elimination program. TB control requirement have been integrated into the four strategic pillars: find, treat, prevent and bill. What is find? Find all TB cases with an emphasis on reaching every TB patient in the private sector. Previously, the program was supposed to look after for the public patients only. जितने भी public sector में या सरकारी अस्पताल में, सरकारी dispensary में जितने मरीज भी आते थे, उन मरीजों का गवर्नमेंट सिस्टम से इलाज करना आरएनटीसीपी का मोटो हुआ करता था. इट वाज लॉन्च्ड इन राजस्थान इन ईयर 2000. तो उस टाइम से मैं इसमें काम कर रहा हूँ प्रोग्राम में. आई एम वर्किंग सिंस 2000 इन दिस प्रोग्राम. तो हमने उस टाइम देखा कि वी वर ओनली फोकसिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट टीबी क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट सिस्टम. अब धीरे 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 जब इलिमिनेशन दैट टाइम ओनली revised national TB control program. The word control means you have to minimize. Eliminate मतलब क्या हुआ? हटाना है आपको. खत्म करना. तो control करना है जब उसके अंदर के, जैसे मैं ये कह दूँ मुझे इस कमरे के अंदर से कुछ लोगों को control करना है, तो मैं 5 लोगों को बुलाऊंगा, अपने पास बिठा दूंगा, 3 जने अलग रह जाएंगे. तो majority को मैंने control कर लिया, तो that is control. अब वो क्यों मैन पावर ज़्यादा मेरे पास आ गया, 5, 8 में से 5 मेरे पास आ गए, तो मैंने कंट्रोल कर लिया. वो 3 ही बचे पीछे, वो 3 का पावर कम है 5 से, तो कंट्रोलिंग पावर मेरे पास आ गई. दैट इज़ कंट्रोल. इलिमिनेट क्या हुआ कि मैंने सबके सबको बुला के मेरे पास बिठा लिया, या 8 में से 7 मेरे पास आके बैठ गए, 1 बच गया, उसको लगेगा आई डोंट हैव एनी चॉइस, या तो मुझे इनके साथ बैठना पड़ेगा या उठ के बाहर जाना पड़ेगा. क्यों? 8 में से 1 जने के पास क्या चॉइस बचेगी? He doesn't have any option. Either he has to join the 7 people or he has to go out. So eliminate का मतलब यही हुआ कि आपको wherever the TB case is there in the society, चाहे वो public sector में है, private sector में है, whether he is taking treatment from the private sector or public sector, we have to treat that patient. तो वो अपना मैन हो गया. तो पहला अपन ने क्या दिया? फाइंड ऑल टीबी केसेस, ऑल टीबी केसेस विद एन एम्फेसिस ऑन रीचिंग एवरी टीबी पेशेंट इन द प्राइवेट सेक्टर. हमें प्राइवेट सेक्टर का भी कोई पेशेंट को नहीं छोड़ना है. अब इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए नया पॉलिसी क्या क्या प्रोग्राम ने, पहले ये होता था कि पब्लिक सेक्टर का मरीज है उसको आरएनटीसीपी की जो बॉक्सेस वाली दवाई है, डॉट्स की दवाई है, वही लेनी है, वही मिलेगी, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मिलेगी, उसी दवाई को लेना है, उसी जितनी नंबर ऑफ टैबलेट्स मिलेगी वही खानी है, टाइम बाउंड उसका फॉलोअप कराना है, वो सारा चलता रहेगा. अब नया सिनेरियो क्या आया कि जब प्राइवेट सेक्टर को किसी भी बाहर के आदमी को आप इन्वॉल्व करते हो तो आपको इफेक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए 2 चॉइस देनी पड़ेगी उसको, उसको एग्री करवाने के लिए. अदरवाइज वो क्यों एग्री होगा? देर शुड बी सम इंसेंटिव टू द पीपल. बाहर के किसी आदमी को अगर आप अपने साथ मिलाना चाहेंगे तो क्या होगा? 2 पॉलिसी क्या बता रहा हूँ मैं. पहला तो उसको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो आपसे पूछेगा मैं क्यों जुड़ूँ आपसे, मुझे क्या मतलब भाई, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे मरीज आ रहे हैं, मुझे फीस दे रहे हैं, मैं ट्रीट कर रहा हूँ, माई पेशेंट आर सेटिस्फाइड विद मी, वाई शुड आई जॉइन यू. तो आपको पहली चीज़ उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा उसका,
ताकि उसका मोटिवेशन रहे कि अगर मैं इनके साथ जुड़ता हूँ तो दे विल प्रोवाइड मी इंसेंटिव, तो दिस इज मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर देम। सेकेंडली, उनको ये लिबर्टी देनी पड़ेगी कि वो चाहे जैसे अपनी नॉलेज से इलाज करें और चाहे जो ट्रीटमेंट देवे, ट्रीटमेंट इस पर नॉर्म से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है टीबी वाले को मलेरिया की दवाई देगा, लेकिन क्या ड्रग्स देनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है, प्राइवेट सेक्टर की दवाई देनी है या गवर्नमेंट की देनी है, वो डिसाइड वो प्राइवेट सेक्टर वाला आदमी करेगा। तो ये दो लिबर्टी नहीं हमने दी उनको टू इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर। तो फाइंड के अंदर ये हमारा नया थोड़ा सा इनोवेशन हुआ। सेकेंड क्या है, ट्रीट और क्योर, ट्रीट ऑल टीबी केसेस विद हाई क्वालिटी एंटी टीबी ड्रग्स। अब हाई क्वालिटी क्या, कि पहले जैसे ये होता था कि साहब जो गवर्नमेंट सेटअप में पेशेंट है उसको तो आपने रिफामिसिन का अलग कैप्सूल है, आइसोनियाजिड की अलग गोली है, पायरेजिनामाइड की दो बड़ी सी गोली अलग आती थी, इथेमेटोल की दो बड़ी गोली अलग आती थी, देयर वाज सेवन टैबलेट्स। तो हर आदमी को लगता है, और उसको कंपनसेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर वाले क्या कहते थे कि हम तो दो गोली दे रहे हैं साहब आपको, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दो गोली होती थी उनकी, तीन गोली होती थी। तो उसको एट पार करने के लिए गवर्नमेंट ने भी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की टेबलेट शुरू कर दी। तो आज गवर्नमेंट सिस्टम में भी एज पर वेट बैंड फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है, अकॉर्डिंग टू वेट 3 टेबलेट्स देनी है, 4 देनी है, 5 देनी है, जितनी भी देनी है अकॉर्डिंग टू वेट वो दी जाएगी। तो सेम क्वालिटी ऑफ ड्रग्स आर देयर इन द गवर्नमेंट सेटअप। तो दूसरा हो गया वो। तीसरा है प्रिवेंट द इमरजेंसी ऑफ टीबी इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन एंड स्टॉप कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर ड्यू टू टीबी बाय ऑल। अब जो टीबी ससेप्टिबल पॉपुलेशन कौन कौन सी है, एचआईवी का मरीज हो गया, डायबिटीज का मरीज हो गया, कोमॉर्बिड कंडीशन दूसरी अगर कोई उसको है, स्मोकर हो गया, एल्कोहलिक हो गया, और किसी डिजीज से अगर वो ग्रसित है, जैसे आप कोविड के अंदर एवरी कोविड पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज आया हुआ है कि चूंकि फंगल इन्फेक्शन का तो जैसे अलार्मिंग सिचुएशन हो ही गई, पर वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस एट दिस मोमेंट, वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डेटा। हो सकता है अगर कुछ ऐसा अनटूवर्ड डेटा निकले, हम लोगों ने अभी से कर तो दिया है कि एवरी कोविड पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस एंड एवरी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट शुड बी इफ नीडेड शुड बी स्क्रीन फॉर द कोविड, ये तो दोनों तरफ से कर दिया है, लेकिन फिर भी 100% नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर जगह अपनी कंट्री के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इतने सारे हैं कि एक ही तरह की क्वालिटी सर्विसेज वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि एक रिमोटेस्ट प्लेस पर जो आदमी बैठा है, एक हेडक्वार्टर में बैठा है, एक्सपेक्टेशन दोनों की सेम रहेगी, वो भी यही चाहेगा कि जो यहाँ जयपुर में या दिल्ली में बैठे हुए आदमी को सर्विसेज मिल रही है, द सेम काइंड ऑफ सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड टू मी, पर प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू रेंडर दीज सर्विसेज, क्योंकि जो आज अगर जयपुर से 200 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर दूर रिमोटेस्ट प्लेस पे डाणी में गांव में छोटे विलेज में बैठा है, क्या हम लोग उसको सारी सर्विसेज दे सकते हैं टाइमली, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो उसको करने के लिए हम लोग ये सारा सर्वे करवाते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स करवाते हैं, तो वो टू प्रिवेंट द डिजीज़ वो सब भी होगा। एंड लास्टली बिल्ड एंड स्ट्रेंथन द सपोर्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग एनेबलिंग पॉलिसीज, एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विद एनहेंस कैपेसिटीज, पूरा सिस्टम हमें एक बनाना है, एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, एक सिस्टम टू सपोर्ट द टीबी पेशेंट। ये जो ऊपर वाली तीनों एक्टिविटीज़ है, इन तीनों एक्टिविटीज़ को अपने को सपोर्ट करने के लिए और क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए एक सिस्टम पूरा एक डेवलप करना पड़ेगा, सपोर्टिव सिस्टम इन विच एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, हेल्थ वर्कर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व एंड एनजीओज आर ऑल्सो। दिस इज विजन, टीबी फ्री इंडिया विद जीरो डेथ्स डिजीज एंड पॉवर्टी ड्यू टू टीबी, दिस इज अवर विजन। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, आप एक चीज़ अभी से समझ लीजिए, कई बार आप फील्ड में जाएंगे, आप कभी किसी से बात करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि साहब टीबी एलिमिनेशन
इसका मतलब पूरे समाज से टीबी खत्म हो जाएगी क्या? हम 2025 तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी टीबी का मरीज रहेगा? नो। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज है और बीमारी के कारण समाज के अंदर जो सामाजिक प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, घर में बीमारी से और दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉवर्टी वाली जो सिचुएशन आ जाती है, पैसा खर्च होता है बहुत सारा, वो सारी चीज़ें हो जाएगी खत्म और डेथ नहीं होगी। डेथ रेट जो होगी वो 0% मिनिमाइज हो जाएगी। दिस इज़ द टारगेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द टीबी। टीबी खत्म नहीं होगी। आज आप बात करेंगे तो लोग ये कहेंगे साहब 2021 चल रहा है, अब अगर जो टीबी का पेशेंट डायग्नोस होगा 2022 में होगा, 2023 में होगा, वो आदमी एक डेढ़ साल तो हो सकता है, अगर एमडीआर टीबी का मरीज है 2 साल तो इलाज लेगा, 2025 तक तो इलाज ही पूरा नहीं होगा। आप कह रहे हो हम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कहाँ से होगा? तो दिस इज द आंसर। एलिमिनेट का मतलब ये नहीं हुआ कि खत्म हो जाएगी, पूरी हटेगी नहीं, लेकिन उसके जो बीमारी के कारण समाज में दूसरे जो प्रभाव पड़ने वाले हैं वो कम हो जाएंगे, डेथ रेट मिनिमाइज हो जाएगी। गोल क्या है? टू अचीव ए रैपिड डिक्लाइन इन बर्डन ऑफ टीबी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी वाइल वर्किंग टुवार्ड्स एलिमिनेशन ऑफ टीबी इन इंडिया, जो अभी मैंने पूरी बात आपसे कही है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? टू अचीव 90% नोटिफिकेशन ऑफ ऑल टीबी केसेस। जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ टीबी प्रिवलेंस होता है एक पर्टिकुलर जगह पर, कि राजस्थान का इतना इंसिडेंस प्रिवलेंस है, इतने सारे टीबी के केसेस सोसाइटी में होने चाहिए एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसमें से 90% हम लोग डिटेक्ट करने के अंदर जब काबिल हो जाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हर तरह से मिला के पता करने के लिए कैसे, नोटिफिकेशन इज द ओनली गोल। हमारे सिस्टम में जब मरीज नोटिफाई होगा जब ही तो हमें पता चलेगा कि ये मरीज आ गया है, हमें पता चल गया। नोटिफाई नहीं होगा जब तक हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो नोटिफिकेशन टारगेट इज 90%। टू अचीव 90% ट्रीटमेंट सक्सेस रेट फॉर न्यू केसेस एंड 85% फॉर प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस। जो नए केसेस है, 100 मरीज का हमने इलाज किया, इलाज उन्होंने पूरा कर लिया, उसमें 90% ठीक हो जानी चाहिए। और जो प्रीवियसली ट्रीटेड थे, जिन्होंने पहले इलाज लिया हुआ वापस बीमार हुए डिफॉल्टर होने के कारण या रिलैप्स होने के कारण या और कोई रीजन से, उनको हमने ट्रीटमेंट दिया, उनमें से 85% की सक्सेस रेट होने लग जाए, तो वो हमारा टारगेट रहे, ऑब्जेक्टिव रहेगा। टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ट्रीटमेंट सक्सेस ऑफ DRTB। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अब बहुत बड़ा ग्रुप होने लग गया है, तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेज का ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, अभी ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कॉलर ऊंची करने वाली नहीं है, 75-80% जैसे न्यू और प्रीवियसली ट्रीटेड के अंदर थोड़ी उससे कम रहती है, लेकिन इसके अंदर DRTB के अंदर 45-50-55 हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पहुँच पाते अपन, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा ये सक्सेस रेट DRTB केसेस की भी। टू अचीव डिक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी ऑफ HIV एसोसिएटेड टीबी केसेस, वी हैव टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी HIV टीबी पेशेंट इन द सोसाइटी। कैसे होगा? ये दोनों तरफ से लिंकेज हो, ऑलरेडी इट इज देयर इन द सिस्टम, ईच एंड एवरी HIV पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर द टीबी एंड ईच एंड एवरी टीबी पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर द HIV। तो दोनों से मिलके जो उसको नुकसान होना है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा अपने को, टू इम्प्रूव द आउटकम ऑफ टीबी केयर इन द प्राइवेट सेक्टर। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, कि जो प्राइवेट सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर के मरीज की 3 चीज होती है। देखिए आप प्राइवेट किसी प्रैक्टिशनर के पास जब मरीज आता है, डायग्नोसिस के लिए आता है, ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन के लिए आता है और सक्सेस के लिए आता है, 3 स्टेप होता है ट्रीटमेंट के। मरीज आया, स्क्रीनिंग हो गई, डायग्नोस हो गया, उसके बाद में फॉलोअप में आता है, 1 वीक से आया, 15 दिन से आया, 1 महीने से आया, उसने बताया साहब आपने दवाई दी बहुत अच्छा लग रहा है, वेट गेन कर लिया है, सिम्टम फ्री हो गया, ठीक है, एंड लास्टली वेदर ही हैज कंप्लीटेड द ट्रीटमेंट और नॉट। दीज आर 3 थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द टीबी ट्रीटमेंट। वन इज डायग्नोसिस, वन इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड लास्ट वन इज आउटकम।
at this moment, people are more concerned about the first two aspects in private sector. First one is most important, to diagnose the TB cases. To diagnose kar lete hai. Then, unki apni popularity banane ke liye, ya maintain rakhne ke liye, jo initial follow-up hota hai, jab mareez aake bolta rahe, doctor sahab, aapke ilaaj se bahut fayda hua sir. Theek ho gaya sir, bukhar nahi aata, khansi nahi aata hai. पहले से बहुत अच्छा हो डॉक्टर साहब, पेट तप तप आते हैं उसके, वजन बढ़ा, हाँ सर, भूख लगने लगी, हाँ सर, भूख भी लगने लगी, वजन भी बढ़ने लगे, बुखार तो नहीं आता, नहीं आता, आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ साहब, घर वाले भी खुश हैं साहब, आदमी होगा तो कहेगा साहब, मेरी वाइफ भी कहती है अब तो अच्छे लगने लग गए, वाइफ होगी तो कहेगी साहब, मेरे हस्बैंड भी अब तो कहते हैं कि सर तो ठीक लगने लगी है. दिस इज द सेकेंड पार्ट. बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट द थर्ड पार्ट, क्योंकि दूसरा जब ले लिया उसके बाद में जो प्राइवेट सेक्टर का डॉक्टर है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड, उसके पास टाइम भी नहीं रहता ना उतना, उसके पास मैन पावर है कि वो उसको फॉलो करे कि भाई इसने 3 महीने का इलाज लिया, ठीक हो गया, सिम्टम फ्री हो गया, वेदर ही हैज़ कंप्लीटेड द फुल ट्रीटमेंट और नॉट. उसने 3 महीने का इलाज लिया, अच्छा फील हो गया, उसने छोड़ दिया इलाज, कि आपको डॉक्टर साहब ने भी कह दिया, घर वाले भी कह रहे, अड़ोसी पड़ोसी भी कह रहे, अरे यार बहुत अच्छे लगने लग गए, आप तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगने लग गए, अब तो कोई बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, शरीर भी अच्छा सा लग रहा है. तो घर वालों ने भी कह दिया, पड़ोसी ने भी कह दिया, और डॉक्टर साहब को तो पता ही नहीं है, पिछली बार गए थे डॉक्टर साहब ने बोल ही दिया था कि अब तो आप ठीक लगने लग गए. तो ही विल स्टॉप द ट्रीटमेंट. तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है उसका कि आउटकम क्या रहा. तो वी पीपल आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर दिस सेक्टर आउटकम इन द प्राइवेट. This is the most important aspect in the private sector. This is our national strategic plan. I think मेरे हिसाब से सारी चीज़ों पर आपसे बात हुई होगी last 2 days में. ये जितने भी private sector engagement, reaching unreached, TB comorbid conditions वाले, multi-sectoral response, drug resistant TB, ICT tool for adherence and monitoring, active case finding, ये सारे TB elimination strategies हैं. सारे पॉइंट हैं. आप अगर किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करना चाहें या कुछ क्लेरिफाई करना चाहें तो अपन बात कर सकते हैं. मेरे हिसाब से जब साहब ने बताया कि 2 दिन से हम लोग यही सब बातें हो रही है तो हो सकता है यू हैव गॉन थ्रू दीज ऑल द पॉइंट्स. नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के सारे पॉइंटों पर आपका डिस्कशन हुआ होगा. ये देख लीजिए अपना इंडिया टीबी प्रोग्राम केयरिंग फॉर 1.5 मिलियन टीबी केसेस इन 2016. ये 2016 का फिगर है और ये 2020 का फिगर है. दिस कुड हैव बीन मोर देन दिस, 3.5 मिलियन से ज़्यादा का भी हो सकता था अगर जो पिछले साल की इस साल की जो कोविड कंडीशंस अपनी रही तो काफ़ी हमारा टीबी नोटिफिकेशन और जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स थे थोड़ा सा बैकफुट पे आए, सारी एक्टिविटीज़ हैम्पर हुई है. तो अगर वो नहीं होता तो वी वुड हैव रीच टू हायर देन दिस. दिस इज़ द ऑर्गेनोग्राफ ऑफ टीबी प्रोग्राम इन अवर कंट्री. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मॉनिटरिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द सेंट्रल लेवल. सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑल दीज पर्सन्स आर दे आर वर्किंग एट द सेंट्रल लेवल. सेंट्रल टीबी डिवीजन विच इज गॉट द नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर हिज बेल्ट, एंड देन स्टेट टीबी सेल, डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर, टीबी यूनिट्स, डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर एंड पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स. This is all about the structure of the program from right from the top to bottom. You would have gone through this, I think. This is our structure. State TB cell, in which state TB officer, deputy state TB officer, senior medical officer, these are the officers who are working at the headquarter. To support these officers who are regular officers from the state government services, assistant program officer, DRTB coordinator, medical officer, TBHIV coordinator, state PPM coordinator, ACSM officer, technical officer, accountant, data analyst, secretarial assistant. These are the all team members who are working at our state TB cell to support state TB cell in the program. For the training part, we have got a training center, state TB demonstration and diagnostic center. That is at Ajmer in our state, where microbiologists and lab technicians are there for the
culture and susceptibility, drug susceptibility testing work, and for the training work, officers are there. We have got 34 district TB centers in our state, in 33 districts. Jaipur has got 2 district TB centers. Because of the large population, DTC 1 and DTC 2 at Jaipur, rest all other 32 districts has got 1 DTC in each and every district. Each and every district has got DTO, MODTC, district program coordinator, PPM coordinator, DRTB, HIV coordinator, accountant, data entry operator, lab technician, counselors, treatment supporters. All these persons are working at the district TB center. Each and every district has got TB units according to population. In every TB unit, we have got STS, STLS. In urban areas, there are TBHVs and MODTC to look after the TB program in the TB unit. In every TB unit, there are designated microscopy centers for the diagnosis of TB patients, where medical officer, lab technician, and other paramedical staffs are working. And in each and every designated microscopy center, there are peripheral health institutes, PSCs or private sector institutes. They all are peripheral health institutes where medical officers and paramedical staffs are working. Here, district level ki working hoti hai hamari. Chief medical and health officer is responsible for all medical and public health activities, including control of TB. Jo district ka CMHO jo hota hai, chief medical and health officer, वो ओवरऑल मेडिकल डिपार्टमेंट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का. ही इज सपोज टू लुक आफ्टर ऑल द मेडिकल एक्टिविटीज, एनी प्रोग्राम, वेदर इट इज टी बी कंट्रोल, मलेरिया, आरसीएच, ऑल एक्टिविटीज दे आर मॉनिटर्ड बाय द सीएमएचओ. तो टीबी प्रोग्राम का भी डिस्ट्रिक्ट हेड वही होता है. द डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस सेंटर इज द नोडल पॉइंट फॉर टीबी कंट्रोल एक्टिविटीज इन द डिस्ट्रिक्ट. जो डीटीसी हमारी बनी हुई होती है, जो इंस्टीट्यूट होती है, that is a nodal point for TB elimination program in the district. A full-time district TB officer exclusively for the TB program hota full-time, isliye uske paas additional kuch kaam nahi hota hai. He is supposed to look after the TB program only. Trained at national level, wo national level pe training ho rakhi hoti hai, uski best at DTC, responsible for planning, training, supervision and monitoring the program in the district. Ye sari activities wo karta hai. DTO is assisted by other technical and secretarial staff. जो पूरे मैंने अभी स्टाफ आपको बताए थे, बहुत सारे स्टाफ जो होते हैं उसका सपोर्ट करते हैं. द प्राइमरी रोल ऑफ DTO इज अ मैनेजरियल वन. अब मैनेजरियल वन किस लिए बोला मैंने, बेसिकली तो क्लिनिशियन होता है. जैसे आई ऑल्सो वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर फॉर 10 ईयर्स. तो बेसिकली तो हम लोग क्लिनिशियन है, MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, चेस्ट फिजिशियन है. तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी हैव स्टार्टेड अवर करियर एज अ क्लिनिशियन. लेकिन क्लिनिशियन के साथ साथ प्रोग्राम के अंदर वी आर सपोज टू डू द मैनेजरियल. कि जब तक क्लिनिशियन मैनेजरियल काम नहीं करेगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा. तो प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से DTO इज नॉट ए क्लिनिकल पोस्ट, इट इज ए मैनेजरियल पोस्ट. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss an update.